हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल सी टैरो हिंदी उर्दू। आई एम युगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। चाहे आपका कॉन्टैक्ट है चाहे नहीं है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या आपको मिस करते हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं और उनकी इंटेंशंस क्या है, उनकी नीयत क्या है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के दरमियान में। तो ये हैं जो आज के क्वेश्चन हैं जो हम आज कलेक्टिव रीडिंग करेंगे फॉर कलेक्टिव व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपका एक्स है, आपका क्रश है, या जिसके साथ आप इस वक्त सिचुएशनशिप में हैं, ठीक है, और आपको नहीं पता ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है या नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपने फिर भी एफर्ट की है, बताया है, तो ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगा आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप कनेक्ट हो सकें इस रीडिंग्स के साथ और मेरी एनर्जी के साथ। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो देखते हैं कलेक्टिव व्यूअर्स, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है। फॉर माई कलेक्टिव टू ऑफ कप्स, वाओ, टू ऑफ कप्स डेफिनेटली सोलमेट की बात करता है। आप हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या लियो के साथ डील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर की ये ओवरऑल एनर्जी है। डेफिनेटली दे आर इन लव। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर रेडी हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। हो सकता है वो काफ़ी एंग्री हैं, मैड हैं आप पे, स्पेशली सेवन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे, इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो हो सकता है इस इंसान को काफ़ी गुस्सा है। ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है आपको कहीं चेक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, सोशल मीडिया पे आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हो, और ये चीज़ इस इंसान को पसंद नहीं आ रही कि आप इग्नोर कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको अवॉइड एंड इग्नोर कर रहा है इस रिलेशनशिप को, या टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जिसने आपको रिजेक्ट किया है। थ्री ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, शायद इसलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है आप दोनों के दरमियान में, और जिसकी वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि अगर ये आपके पास आया तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा डिमांड करोगे जो वो आपको नहीं ऑफर कर सकते इस वक्त विद द फोर ऑफ कप्स। और जिनके दरमियान में थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब कोई और इन्वॉल्व नहीं है, कोई और सिचुएशन नहीं है, तो ये वो इंसान है जो जिसने आपको रिजेक्ट किया है, आपको हर्ट किया है। अब ये इंसान रिजेक्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आप इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आपने बातचीत बंद कर दी, आपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया इस इंसान से। ये इंसान एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेकिन यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है और फायर साइन में लियो। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है ये इनिशियली आपके, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स और बेनिफिट्स टाइप का रिलेशनशिप भी था, मतलब आप फ्रेंड्स थे लेकिन मोर देन फ्रेंड्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप था। लेकिन जब भी आपने इस इंसान से कुछ चीज़ डिमांड की, या आपने कमिटमेंट की, या मैरिज की, या प्रपोजल की बात की, या सीरियस कमिटमेंट की बात की, तो ये इंसान हमेशा आपको अवॉइड कर गया, भाग गया, छोड़ गया या घोस्ट कर दिया। तो कुछ लोगों के लिए ये घोस्टिंग एनर्जी भी हो सकती है कि इस इंसान ने, आपने इस इंसान को लव दिया या आप लव चाहते थे इस इंसान से, लेकिन इस इंसान ने आपको बदले में वो चीज़ नहीं दी। तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे फोर ऑफ कप्स। अब देख लेते हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके विद द फूल कार्ड। यस, ये इंसान एरियस या एक्वेरियस भी हो सकता है। तो इस इंसान की इंटेंशंस जो हैं वो आपको लेके डेफिनेटली यहाँ पे है कि वो दोबारा से इन आप दोनों के साथ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आप दोनों के दरमियान में बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है, या बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, आप हर्ट हुए, अब ये इंसान हर्ट हो रहा है। तो आप हो सकते हैं एक दूसरे को मिरर करें, क्योंकि पहला कार्ड ही टू ऑफ कप्स है, तो लव तो यहाँ पे है, म्यूचुअल लव है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान लव तो करता है लेकिन भाग रहा है आपसे, जो लोग थर्ड पार्टी में, लव तो करता है लेकिन आपसे भाग रहा है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि वो चीज़ वो आपको नहीं दे सकते। मेंटली ये इंसान रेडी नहीं है, आप देख सकते हो कितनी टेंशन है, कितना स्ट्रेस है। द फूल कार्ड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। और कुछ लोगों के लिए फूल कार्ड ये भी बात करता है कि ये इंसान आपके साथ गो विद द फ्लो जाना चाहता है। आप जब भी कुछ इस इंसान से सीरियस डिमांड करोगे, ये इंसान डेफिनेटली आपको ये बोलेगा अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप को गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन में जाना चाहते हो
विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी लेबल, मतलब मैं जानने की कोशिश, हम देखेंगे, हम मतलब इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर की। यहाँ पे ज़ीरो है तो डेफिनेटली ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, या ओवरऑल ये इंसान इस टेंशन से निकलना चाहता है जो आप दोनों के दरमियान में है, अपने आप को फ्री करना चाहता है ये इंसान, लड़की या लड़का जो भी है ये इंसान, ठीक है। अब देखते हैं उनकी इंटेंशंस क्या है, और कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ पे, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान लियो है काफ़ी, इस इंसान को अपनी जो है रेपिटेशन का हो सकता है ख्याल है, या ये इंसान को दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरों की क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है, लोगों की परवाह हो सकती है इस इंसान को, हो सकता है ये इंसान पॉपुलर भी हो विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो ये चीज़ भी इस इंसान को थोड़ा बहुत मतलब पॉपुलर का मतलब यह है कि ये लड़का लड़की अट्रैक्टिव हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, इस इंसान के एडमायरर हो सकते हैं, इस इंसान के पास ऑप्शंस हो सकती हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, तो ये चीज़ इस इंसान को थोड़ा बहुत प्राउडी भी करवा सकती है। यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे लगता है मज़ीद अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आ तो रहे हैं वो आपकी तरफ विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए इंसान जून में ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, और कुछ लोगों के लिए जुलाई में आपको थोड़ा सा मजीद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली बात करता है कि ये इंसान रियलाइज़ करेगा फाइनली आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, और आपके पास आएगा और आहिस्ता से इस रिलेशनशिप को स्लोली लेके चलेगा। आप अचानक से ही वो आते आएंगे और आप बोलेंगे कमिटमेंट दे दो, शादी कर लो, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इतना जल्दी सब कुछ करने वाला है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंसान। या अभी भी आप दोनों के दरमियान में अगर ये ब्रेकअप हो चुका है कुछ लोगों के लिए विद द डेथ कार्ड, आपके दरमियान में बिल्कुल ज़ीरो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ये फिर भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है दोबारा, आपको आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, आपके साथ आपके पास वापस आना चाहता है शायद, लेकिन हो सकता है ये इंसान काफ़ी टाइम ले रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर। अब देखते हैं कि इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन क्या होगा, ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन लेगा, लेट्स सी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन क्या लेगा। ये तो फीलिंग्स और इंटेंशंस हो गई ना, अब एक्शन क्या लेगा ये इंसान आपकी तरफ, देख लेते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट्स करेगा। आप देखेंगे ये इंसान आपकी तरफ एक्शन क्या लेगा, यहाँ पर एक्शन में हमारे बहुत सारे कार्ड हैं, लेट्स सी ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन लेगा। सो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, आप देख सकते हो यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड हैंगमैन, तो किंग ऑफ कप भी यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, वाटर साइन की एनर्जी है, और यहाँ पे हैंगमैन है, तो ये इंसान अपनी फीलिंग को पहले एनालाइज करेगा, ये इंसान पहले अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसको चाहिए क्या, ठीक है, और वो आपके साथ क्या क्या आपको ऑफर कर सकते हैं विद द फोर ऑफ कप्स। अगर आपने रिजेक्ट किया है तो ये इंसान डेफिनेटली अभी तक डीपली हर्ट है, रिजेक्टेड फील कर रहा है, और अगर आप इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो ये इंसान डेफिनेटली सोच समझ के आपके पास आएगा ताकि आप उसको दोबारा रिजेक्ट ना कर सको, क्योंकि इस इंसान को पता है कि उसने गलती क्या की है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए मज़ीद डिवेल्प हो रही हैं, अगर पहले नहीं थी तो अब शायद हो रही हैं डिवेल्प, आपकी एब्सेंट ने या इस ब्रेकअप ने, इस सेपरेशन ने इस इंसान को सब कुछ सिखा दिया है। और जैसे मैं उन लोगों की अब बात करूंगी जो थर्ड पार्टी में है, तो ये इंसान अभी भी ये सोच रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स की बात सुनूँ, मैं अपने दिल की आवाज़ सुनूँ, या मैं अपने दिमाग की सुनूँ। तो इस इंसान को लोगों का डर, रियलिटी कुछ और है, लेकिन इस इंसान की फीलिंग्स कुछ और बोल रही हैं, तो शायद इसलिए ये इंसान इस कश्मकश में है कि मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं क्या करूँ। तो इस इंसान को डेफिनेटली डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है, और आपकी तरफ आने के लिए इस इंसान को रिस्क लेना पड़ेगा, इस इंसान को डेफिनेटली कोई चीज़ पीछे छोड़नी पड़ेगी, इस इंसान को शायद अपना प्लेयर वाइब्स छोड़नी पड़ेंगी, दूसरी ऑप्शंस को छोड़ना पड़ेगा, या अगर थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ये डिसीजन ईजी नहीं है आपके पास आना, इस इंसान को डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा। मज़ीद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेकल्स कार्ड देख लेती हूँ कि आप दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, और फिर मैं आपके लिए एडवाइस देखूंगी जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी आप लोगों के दरमियान में क्या चल रहा है। एब्सेंस, यस, ये इंसान आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, तो ये इंसान आपकी पिक्चर्स देख रहा है या आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, आपकी एब्सेंस इस इंसान को फील हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को मिस कर रहे हो, आप इस इंसान को की पिक्चर्स देख रहे हो या इस इंसान को स्पाई कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। वी हैव इरिप्लेसिबल, तो आप डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में इरिप्लेसिबल हो, ये इंसान डेफिनेटली आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, जो फीलिंग्स इस इंसान ने आपके साथ मतलब हैं इस इंसान की, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। वी हैव अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर, येस, तो ये उन लोगों के लिए है, ये जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, आपको अनअप्रिशिएटेड फील हो रहा है, आपको लगता है ये इंसान आपको आपकी परवाह नहीं है, कदर नहीं है, आपको अप्रिशिएट नहीं करता, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको वो चीज़ नहीं बता रहा है जो चल रही है इस इंसान के दिल और दिमाग में,
हो सकता है कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स और हैंगमैन ये भी बात करता है समटाइम कि इस इंसान को समझ नहीं आ रही अपनी फीलिंग को, आपको कैसे एक्सप्रेस करें, आपको कैसे बताएं कि इस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये इंसान ओवरवेल्म्ड हो सकता है या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा सही तरीके से। लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक मेंड, तो ये डेफिनेटली इंसान उस ब्रोकन हार्ट को मेंड करना चाहता है, हील करना चाहता है, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो ये इंसान डेफिनेटली चाह रहा है कि आप दोनों के दरमियान में चीज़ें फिक्स हो जाएँ, या आप दोनों किसी एग्रीमेंट पे आ जाओ किसी, या आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ रिवील। तो मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए जो आपको इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, या आपको ये लगा कि ये आप अनअप्रिशिएटेड हो इस इंसान को, क्यों आपकी परवाह नहीं है, कोई कदर नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ बताना चाहता है। और यहाँ पे है रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो अब आप दोनों के दरमियान में इक्वल गिव एंड टेक होगा, और पहला कार्ड ही आपका टू ऑफ कप्स है। तो शायद अब ये इंसान रेडी है आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, आपको बताने के लिए, और यही ये इंसान सोच रहा है कि अब ये सब अब आगे कैसे बढ़ा जाए, इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ा जाए, इसको फिक्स कैसे किया जाए, जो गलती की है उसको दोबारा ना किया जाए। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान अनएक्सपेक्टेड आउटकम आप दोनों के दरमियान में हो सकता है, मतलब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपको कोई जो ये इंसान तभी आपकी लाइफ में आएगा और आपको शॉक कर देगा, रिवील कर देगा अपनी फीलिंग, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आके खड़ा हो जाएगा और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो शायद आप इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ यू, ये इंसान अब रेडी है रिलेशनशिप के लिए। आप ब्लैक एंड वाइट कपल हो सकते हो, या आप एक दूसरे से अपोजिट हो, डिफरेंट हो, तो ये चीज़ भी इस इंसान को शायद सोचने पे मजबूर कर रही है कि ये सब कुछ कैसे होगा। आपके लिए एडवाइस देखते हैं, और अगर थर्ड पार्टी है तब भी ये इंसान आपके साथ उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आपने उस इंसान की लाइफ को कैसे चेंज किया है, या ये इंसान इन चीज़ों को मेंड करना चाहता है, इन चीज़ों को हील करना चाहता है, एटलीस्ट आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या कुछ आपको रिवील करना चाहता है ताकि आपको क्लैरिटी हो, आपको कोई क्लोजर मिले, या आपको उनकी साइड की जो सिचुएशन है वो समझ आए। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके लिए एडवाइस ये है कि बी अलर्ट, बी असर्टिव, अपने लॉजिक की सुनिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, ये इंसान आपसे काफ़ी इंटिमिडेटेड भी हो सकता है। इस इंसान को, अगर आपने इस इंसान को कट किया है, तो थोड़ा सा आप भी अपने दिल को नरम कीजिए, सॉफ्ट कीजिए, स्पेशली अगर आप इस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके दिल में भी इस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं, तो आप भी अपना थोड़ा बहुत अपने हार्ट को ओपन करें और इस इंसान को वेलकम करें, या इस इंसान को ये थोड़ा बहुत हिंट या साइन दें कि आप रेडी हैं कम्युनिकेट करने के लिए, आप बात करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, या आप बात नहीं ना चाहते, आप हर वक्त गुस्से में हो, मैड हो, या आप चीज़ों को सिर्फ अपने तरीके से आप दिमाग की सुन रहे हो, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप दिल की सुनो, आप दिल उनको समझने की कोशिश करो। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है कि आप अपना माइंड यूज़ करें कि बेसिकली इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। लेट्स सी, और एडवाइस देखते हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, यस, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा बहुत अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए यहाँ पे। बी कंपैशनेट, ओके, बी कंपैशनेट, थोड़ा सा इमोशंस और फीलिंग्स आप भी दिखाएं, और या अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप इस इंसान को दिखाएं, अपने हार्ट को सॉफ्ट करें, क्योंकि आप बहुत इस वक्त टफ़, आप बिल्कुल आप बात नहीं करना चाहते इस इंसान से, या आप इस इंसान को ये इंप्रेशन दे रहे हो कि मुझे कोई परवाह नहीं है, इवन आप हर्ट हो रहे हो विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आप लियो हो सकते हो, या आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो, आप काफ़ी डिटैच हो, तो आपको डिटैच होने की भी ज़रूरत है। अगर आप डिटैच नहीं हो इस इंसान के ऊपर, को डिपेंडेंट हो या ऑब्सेस्ड हो इस इंसान के साथ, तो आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटैच हो, तो आपको कंपैशन की ज़रूरत है। ये दोनों कार्ड बहुत एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो लोग डिटैच हैं उनको कंपैशनेट होने की ज़रूरत है। अपने आप को सॉफ्ट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ताकि आप इस इंसान की फीलिंग्स को समझ सकें या अंडरस्टैंड करें उनकी सिचुएशन को। देखें, स्ट्रेंथ का मतलब ये है, इस कार्ड में आपको नज़र आ रहा है, इट्स अ ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशनशिप। ठीक है, जब ये ह्यूमन और इंसान का, इंसान और जानवर का रिलेशनशिप, ह्यूमन और एनिमल का रिलेशनशिप आता है, तो इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, राइट? तो इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है, इट्स गिव एंड टेक। आप जो चीज़ उस इंसान को दे रहे हो, वो चीज़ उसको समझ आ रही है। तो ये अनकंडीशनल लव की बात करता है, जो हमारा एनिमल, ह्यूमन और एनिमल के दरमियान में होता है, वो अनकंडीशनल लव होता है। तो आपने इस इंसान को ऑलरेडी दिया है वो चीज़, और अब ये इंसान डर रहा है कि आप बिल्कुल बंद हो गए हो, क्लोज हो गए हो। तो थोड़ा सा अपने हार्ट को सॉफ्ट कीजिए, और जो लोग डिटैच हैं उनको ये करने की ज़रूरत है, और जो लोग बहुत गिविंग हैं इस इंसान के साथ, अभी भी ऑब्सेस्ड हैं, को डिपेंडेंट हैं, बस मरे जा रहे हैं उस इंसान के पीछे, ऐसा मत करें। अपने आप को थोड़ा सा लॉजिकल भी बनाएं, ये भी देखें कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको स्टॉप करना है, कहाँ पर आपको लव देना है, कहाँ पर आपको रेडी होना है बात करने के लिए। तो ये थोड़ा बहुत आपके अंदर भी थोड़ी बहुत डिसफंक्शन हो सकता है, जो आपने हील करना है, और ये चीज़ इंसान जो है वो चीज़ें आपके अंदर ट्रिगर कर रहा है।
तो आप जो हैं अपना, आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आप अपने आप को उसी सिचुएशन में वापस लेके आओ जो आप जिस तरह हो, ठीक है। आप अपने आप को नर्चरिंग बनाएं, केयरिंग बनाएं, लविंग बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान ही मिलेगा तो आपको लव मिलेगा, अपने आप को भी ये चीज़ लव दें, केयर करें। आप इतना सख्त नहीं हो सकते, डिटैच नहीं हो सकते अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ, जो सुने अपने दिल की आवाज़ कि आपको क्या चाहिए। और अगर आपको हर्ट हो रहा है, अपने आप को हील करें, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग है, मैं बोलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।